तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकृतज कृपा सिंधुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वदा मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्गुणाद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्गुणाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथादर्श दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री श्री प्रेम संपुट ग्रंथ आलोचना कर रहे हैं जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं। ये स्वयं कृष्ण देवांगना के रूप में आए हैं आई हैं और राधा जी से मिले और प्रेम के बारे में कुछ पूछने लगे। हम लोग कल श्रवण किया था वह देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण कहने लगी कि उस रात्रि में तुम्हारे साथ विहार करते ही श्री कृष्ण अन्य ब्रजसुंदरियों का परित्याग कर केवल तुम्हें साथ ही ले जाकर और तुम्हारे प्रति यथेष्ट प्रीति दिखलाई थी, किंतु उस क्षणकाल तक तुम्हारा साथ कुछ क्षणकाल तक मैंने कुछ समय तक तुम्हारे साथ अवस्थान करने के उपरांत विलास परिश्रम से तुम्हारी अत्यंत क्लांत होकर अर्थात थक जाने पर भी सहसा तुम्हें वन में अकेले छोड़कर चले गए। उस समय तुम्हारा उच्च स्वर से विलाप करना और क्षण क्षण में मूर्छित हो जाना और अत्यंत भ्रममयी अस्वाभाविक चेष्टाएं इत्यादि अनेक प्रकार की दशाएं हुई थी। ओहो कितने दुख की बात है कि मैं उन सब को बहुत जन्म तक जन्म मृत्यु जरा इत्यादि देह की जो आठ प्रकार की अवस्थाएं हैं उनसे भी किसी भी अवस्था में भूल नहीं सकते हैं। वह दुख मेरे हृदय में सदैव शूल की भांति चुमता रहेगा है? अर्थात वो दिवांगना कह रही है ये कृष्ण बंसी बजाया फिर सारे गोपियों के एकत्रित किया कहाँ पर बंसी वड में उनके साथ अनेकों प्रकार जो है नर्म परिहास आदि किया। नर्म परिहास जिसको कहा जाता है सगतंग भू महाभागा इस श्लोकों के द्वारा नर्म परिहास किया। हे गोपियों आप लोगों की स्वागत है सगतम भू महाभागा आप लोग महाभगवान हो इसलिए आप लोग की स्वागत है आइए, किंतु ये वन में रात्रि में आप लोगों के आने के कारण क्या है
स्वागत भू महाभागा। अब लोग की इस रात्रि में, घनाघोर रात्रि में अब लोग के आने के कारण क्या है और अधिक समय तक ये रात में वन में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अकेला पुरुष हूँ और आप लोग स्त्री हैं। मन की चंचलता नवजनी कब क्या करें, इसलिए आप लोगों के जो है वन में अधिक समय तक रहना उचित नहीं है। यदि को वन दर्शन करने के लिए आई है तो आप लोग वन दर्शन करके आप चले जाइए, है कि घनाघोर अंधकार है, इस अंधकार में आप लोग के रहना उचित नहीं है। इसी प्रकार कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार जो है उपेक्षामय शब्द आदि बोलने लगे है। उस समय गोपियाँ बहुत दुखित हुई है और गोपियाँ अपने अपने मनोभाव आदि व्यथा जो है कृष्ण को व्यक्त किया है। इसलिए कह रहे हैं स्वागतम भो महाभागा है। कथा के समय करते हैं ना, मेरा भाव अलग हो जाता है ना, डिस्टर्बेंस हो जाता है। मैं तुम लोग को थोड़ी देखता हूँ, केवल डिस्टर्बेंस करें ना तब भाव अलग हो जाता है। स्वागतम भो महाभागा, हे महाभगवानशाली गोपियाँ। तो इसी प्रकार घोर रूपा घोर सत्ता निसेविता, यह जंगल जो है घोर माने अंधकार है, अनेक प्रकार के हिंस्र है पशु आदि रहते हैं, क्योंकि रात्रि काल में शेर बाघ आदि अनेक जो है हिंस्र पशु आ सकते, सर्प भी है, सांप भी आते हैं। इसलिए आप लोग के उचित नहीं है जंगल में रहना। और दूसरी बात भी कृष्ण कहने लगे, देखो आप लोग सुंदर सुमध्यमा, आप लोग नवजौवन संपन्न है, समस्त प्रकार माधुर्य सौंदर्य के द्वारा आप लोग मंडित है, और मैं ब्रह्मचारी होने के नाते है, मैं अकेला पुरुष होने के नाते ना जिन्हें हमारे मन की भी चांचलता हो जाए है। माता श्लोक है ना, ये एकांत स्थान में जो है निर्जन स्थान में कभी माँ के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ है, मात्रा ससाधिता नाभिव्यक्त न सुरभवित बलवान इंद्रगामो विद्यांग अपि संकर्षयते है। एकांत स्थान में निर्जन स्थान में अपने माँ के साथ भी रहना नहीं चाहिए है, अपने पुत्री है कन्या अथवा अपने पुत्री है के साथ रहना नहीं चाहिए है। मात्रा ससरा द्विता साबी विकता सुनोगे बलवान इंद्रियो ग्राम, ये इंद्रिय जो अतीब जो चंचल भी है बलवान इंद्रियो ग्राम विद्यांग भी संकर्ष रहते, बड़े बड़े विद्वान लोग भी पतित हो जाता है इंद्रिया इतने चंचल है। इसलिए कभी एकांत स्थान पर स्त्री जाति के साथ रहना उचित नहीं है, है? इसलिए आप लोग जब वन दर्शन करने के लिए आए हैं तो वन दर्शन करके आप लोग चले जाइए। और दूसरी बात है रात्रिकालीन है, शेर है, सांप है, बाघ है, ये आप लोग के आक्रमण भी कर सकते हैं। कृष्ण इसी प्रकार अनेक जो है प्रेम की एक अपूर्व उपेक्षामय शब्द आदि बोलने लगे
उस कथा को सुन करके गोपियों के हृदय में बड़ा दुख हुई। क्यों? ना कृष्ण स्वयं तो बंसी के द्वारा गोपियों के जो है बुलाया है। आसन बंसी के धनी क्या है? क्लीम शब्द है, कलम जगु बाम दिशा मनोहरम। कृष्ण बंसी के द्वारा एक एक गोपी के नाम लेकर के पुकारा, तब तो गोपियाँ आई है। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो, स्पष्टीकरण कर दिया श्रीमद् भागवत में। गोपियाँ कृष्ण के द्वारा आमंत्रित है, आमंत्रित है, इन्वाइटेड है। गोपी ने, कृष्ण ने गोपियों की निमंत्रण दिया, आइए आप लोग के साथ हम प्रेम विहार और राष्ट्रलादी करेंगे। और जब पहुंच गए तब ये उपेक्षामय शब्द आदि कहने लगे। एक व्यक्ति के आपने घर में बुलाया किस लिए? प्रसाद ग्रहण करने के लिए। महाराज हमारे घर में आइए दोपहर 12 बजे और प्रसाद ग्रहण किए। तो महाराज दोपहर ठीक 12 बजे आपके घर में जाकर के दरवाज़ा खटखटाया और आपने कहा ये महाराज आपके आने के कारण क्या है? स्वागतम भो महाभाग, ठीक है आप लोग के आपके स्वागत है, किंतु आपके आगमन के कारण क्या है मेरे घर में? ये कोई शब्द होता है? अरे आपने तो बुलाया महाराज को प्रसाद ग्रहण करने के लिए और फिर अभी क्या पूछ रहे हैं? आपके आने के कारण के कैसे आपको सेवा करूं? तो इससे सुनकर के दुख होता है? नहीं होता है। तो उसी प्रकार कृष्ण गोपियों के जो है वंशी ध्वनि के द्वारा सबको बुलाया, गोपियां आई है और आने के बाद यही प्रश्न करने लगे आप लोग के आने के कारण क्या है। और आप लोग दर्शन यदि कहो वन दर्शन करने के लिए आए, वन दर्शन हो गया, आप लोग लूट करके जा, तो गोपियां इसमें बहुत दुखित है। उस समय गोपियां प्रणय कोप से, जिसको प्रणय गीत कहा जाता है, प्रणय गीत, प्रणय कोप से गोपियां अत्यंत व्यथित चित्त से, व्यथित चित्त से अपने भावों के व्यक्त करने लिए गोविंद के निकट ही कीर्तन करने लगे। बहुत सुंदर सुंदर उसमें श्लोक है, बहुत सुंदर। इसको कहा जाता है प्रणय गीत। गोपी गीत के पहले जो होता है उसी कहा जाता है प्रणय गीत कहा जाता है। विरह से जो गोपियों की इसके बाद कृष्ण भी उपदेश भी देने लगे। ये देखो आप लोग सती साध्वी नारी हो, पति सेवा ही परम धर्म, पति के सेवा आदि करें। बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण भी गोपियों के उपदेश दिया है। पढ़ा कभी ग्रंथ नहीं, तो इतने सुंदर उपदेश देने के पश्चात गोपियाँ अपने हृदय वेदना के जो है उद्गार करते हुए, प्रकाश करते हुए वह समस्त पुराण गीत के एक एक श्लोक कीर्तन करने लगे। आज इसके पश्चात कृष्ण ने क्या कि वो समस्त गोपियों की सांत्वना प्रदान किया। फिर कृष्ण गोपियों के साथ रास प्रारंभ की। आज ये समस्त वर्णन है। रास प्रारंभ की, गोपियों की हृदय उल्लास में ये समस्त कथा है। तब इसके पश्चात कृष्ण ने क्या क्या देखा, ये कुछ गोपियाँ तो सौभाग्य मद में मत हुई है और राधा जी मान के, ये सब कथा है। तो गोपियों की सौभाग्य मद को दूर करने के लिए, राधा जी को मान प्रसमान करने के लिए, प्रसमान प्रसमानाय तत्रा भी अच अंतर्धीयते, तो ये समस्त वर्णन है उनकी गोपियों की। जो गोपियाँ सौभाग्य मद से
मत्त हुए थे, उनके सुभाग्य मद को जो है दूर करने के लिए, और राधिका के मान प्रशमन करने के लिए। तो उस समय कृष्ण अलक्षित रूप में राधा जी के बलात्कार करके अंतर्ध्यान हो गए। बलात्कार समझे, जबरदस्ती कर, राधा जी तो मान किया, जाना नहीं चाहती है, इसलिए वहाँ पर बलात् शब्द लिख दिए, जबरदस्ती करके राधा जी के उठा करके कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। और जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो सारी गोपियाँ कृष्ण विरह में तड़पने लगे। फिर गोपियाँ ने किया कि और अनेक प्रकार अपने भाव आदि व्यक्त करते हुए यही जमुना पुलिन में आए, और उधार कृष्ण राधा जी के जो है श्रृंगार भट्ट जमुना के तट स्थित बरगद के पेड़ के नीचे उनके साथ अनेक प्रकार प्रेम विलास आदि की है। और फिर गोपियाँ में आगे जमुना के तट पर कृष्ण मन ही मन विचार करने लगे, ये देखो मैं राधे के साथ मैं प्रेम विहार में मत हूँ, और उधार गोपियाँ कितने दुखी थे। यदि कृष्ण गोपियाँ हमें इस अवस्था में देख लें, किस अवस्था में, राधे के साथ मैं प्रेम विहार कर रहा हूँ, तो गोपियाँ की दुख और भी बढ़ जाएगा, और गोपियाँ भी हमारे ऊपर क्रुद्ध और मान आदि प्रकाश करेंगी, तो आगे जाकर के हमारे लीला संपादन करना संभव नहीं है, इससे विचार करने लगे। और इधर राधा जी भी मनी मन विचार करने लगी, ये देखो जिस समस्त गोपियाँ मेरे लिए ही सर्वस्व त्याग दे करके मेरे साथ रह रही हैं, वो समस्त गोपियाँ के छोड़ करके मैं अकेली जो है कृष्ण के साथ यही श्रृंगारवन में विहार में ही कर रहा हूँ। उसमें स्वयं राधा जी कृष्ण के जो है वो देते हैं, आदेश देते हैं, मेरा पैर में अलता लगाओ, महावर लगाओ, मेरे जो है बाल के जो है प्रसादन करो, किस प्रसादन जिसको कहा जाता है, किस प्रसादन करो, तो ये समस्त कृष्ण धीर ललित नायक होने के नाते स्त्री वशीभूत हो करके साधारण एक कामिनी पुरुष के न्याय कामन्या के साथ वहाँ पर ये समस्त क्रिया आदि करने लगे। यह तो भी कहने लगे जाओ फूल लेकर के आओ, कृष्ण फूल आदि लेकर के राधा जी के केस में सुंदर रूप में सजाया, ये समस्त भी दिखाया गया है। और इधर राधा जी मन ही मन विचार करने लगी, देखो ये समस्त गोपियाँ मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया है, और मेरे साथ रह रहे मैं उस समस्त गोपियों की छोड़ करके अकेली कृष्ण के साथ मैं विहार कर रही है, ये मेरे लिए उचित नहीं है, ऐसे राधा जी के मन में भावना उत्पन्न हुई। कृष्ण सर्व अंतर्जामी होते हुए कृष्ण मन ही मन विचार करने लगे, राधा जी हमारे साथ है किंतु शरीर से मेरा साथ तो है किंतु मन कहाँ है, दूसरे गोपियों के साथ चलेगी, उनकी चिंतन करें। प्रेम की माधुर्यता प्रकाश होता है कब, जब तन मन एकात्म होकर के एक होकर के जब अपनी प्रियतम के सेवा आदि करें, प्रियतम की जो प्रेम विहार आदि करें, किंतु यहाँ पर विपरीत दशा हो रहे हैं। ये राधा जी कृष्ण के साथ तो मिल रही है किंतु उसके मन कहाँ चले गए, दूसरी गोपियों की अपने सजातीय स्निग्ध गोपियों की तरफ चले गए। तो कृष्ण विचार करने लगे, भाई ये तो शरीर के साथ तो मैं तो विहार कर रहा हूँ किंतु ये मन तो दूसरी जगह में है, तो इसमें प्रेम की ये नहीं होगा, आनंद उल्लास नहीं होगा। तो ये कृष्ण भी विचार करने लगे, राधा जी उस समय ये विचार करने लगे, ये देखो इस स्थान को एक कृष्ण कहने लगे, इस स्थान को छोड़ करके हम दूसरे स्थान पर चले। राधा जी कहने लगी ठीक है मैं जा नहीं सकती, चल नहीं सकती हूँ। तो कृष्ण
कहना तुम जा नहीं सकते हो तो एक काम करो, है मेरे काम पर बैठ जाओ, तुमको लेकर चलते हाँ समझे। क्योंकि राधा जी ये बहाना बनाया, विचार करने लगी हमारे लिए जो सखियाँ जो सर्वस्व त्याग दे के, और वो लोग कितने कष्ट भोग रहे, वो लोग भी हमारे साथ आए। और कृष्ण ये विचार कर रहे हैं जे मैं राधा जी के साथ अकेली ये अकेला कृष्ण के ये अकेला विहार कर रहा हूँ, और यदि वो गोपियाँ देख ले है तो उन लोग भी माने नहीं हो जाएंगे, उन लोग के मान मनाना तो हमारे लिए बहुत कष्ट होगा, कर नहीं पाएंगे है। इसलिए कृष्ण भी कहने लगे चलो इस स्थान को छोड़ करके हम चलते हैं। राधा जी कहते हैं हम चल नहीं सकते। तो कृष्ण बोले ये काम करो, चल नहीं सकते कम से कम मेरे कान पर बैठो, मैं तुमको ले जाता है। और इतने समय राधा जी कृष्ण के कान पर बैठने के लिए प्रयास की, और उस समय कृष्ण उस स्थान से छोड़ कर चले। राधा जी रोने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहु है, काशी काशी महाभुजो। इसी प्रकार राधा जी विलाप करते रहे, हा नाथ हा रमण हा पृष्ठ काशी काशी महा दशास्ते मैं सखी गुरु, ये समस्त आदि श्लोक उच्चारण करने लगे। मैं आपके दासी हूँ, मुझे छोड़ करके आप कहाँ चले, आप मुझे शिकार है। और उस समय वो समस्त गोपियाँ विशेष करके चंद्रावली आदि गोपियाँ जब आई देखा एक कृष्ण के चरण चिन्ह के पास और एक सुंदर स्त्रियों के चरण चिन्ह है, चंद्रावली के पक्ष विपक्ष पक्ष जो है कृष्ण के चरण चिन्ह व चरण के बारे में भली भांति उसको परिचित थे हैं आज है, किंतु चंद्रावली सखियों के जो राधा जी के चरण के बारे में कोई ज्ञान नहीं थे। इसलिए उन्होंने देखा एक पुरुष के चरण चिन्ह के साथ या स्त्री के चरण चिन्ह है, पुरुष के चरण चिन्ह तो चलिए ये कृष्ण के चरण चिन्ह है, और स्त्री के चरण चिन्ह ये क्या है उसके नाम नहीं। इसलिए संग चंद्रावली आदि सखियाँ विपक्ष वाली है यही कीर्तन करने लगे। क्या गया है क्या अनयाराधित नुनंग भगवान हृदीश्वर है जन्म विहाय गोविंद जमुना रह, ये श्लोक की कीर्तन करें। महाराज जी है तो चरण दिखाई दे तो धूल में दिखाई दे, किस में दिखाई, धूल में है ना, अरे वही धूल है ना, धूल में हाँ, वो धूल तो जमुना की मिट्टी तो ही धूल है। आप जो अभी जो देख रहे आप वो जमुना यहाँ पर भी प्रवाहित होते थे है, यही तो है जमुना, काल काल में जमुना कहाँ कहाँ कर इतने दूर चली गई हाँ समझे। तो ही जमुना के मिट्टी पर जो है दो चरण चिन्ह, पुरुष के चरण चिन्ह देख कर कृष्ण के चरण चिन्ह वो लोग विचार करने लगे, स्त्री के जो चरण चिन्ह जो वो लोग पता नहीं लगा रहे, क्योंकि विपक्ष वाली चंद्रावली आदि के सखियों की जो है, किंतु सपक्ष वाली गोपियाँ तो समझ गए ये चरण चिन्ह किसका है, सेवा करती थी राधा जी के साथ साथ रहती है आशा, किंतु विपक्ष वाली के बारे में नहीं था। इसलिए तो विपक्ष वाली चंद्रावली सखियाँ जो है यही कहते हैं अनयाराधित नुनंग भगवान हरिश्वर है। तो ये श्लोक जो है आज के दिन राधा जी कृष्ण विरह में क्षण क्षण में मूर्छित हो जाती है, और राधा जी के इस प्रकार विरह मूर्छित अवस्था को देख करके समस्त गोपियों उनके प्रति ये क्या हुई ना ये शोभा क्या बोले कंपैशन क्या बोलते हैं सिंपैथी उत्पन्न हुई है। कोई व्यक्ति दुखी है यहाँ तक भी समस्त सखियाँ जो है राधा जी के प्रति है अपने सिंपैथी व्यक्त करते ही है उनके मूर्छा को जो है भंग किया, और फिर राधा जी के साथ आकर के समस्त गोपियाँ पुलिन जमुना पुलिन में पधारे, और वहीं पर आकर के कृष्ण के प्रेम महात्म सूचक कृष्ण के अनेकों लीला कथाओं को जो है अत्यंत सुस्वर से है गान करने लगे, जिसको कहा जाता है गोपी गीत जयति ते ओधिकं
जनमना ब्रज श्रायत इंदिरा सस्त अत्र ही दयित दीक्षुतं दीक्षुता बुका तोयिधिता सब त्वांग विचिन्नते। इस प्रकार गोपियां जमुना पुलिन में आकर के समवेत होकर के एकत्रित होकर के कृष्ण के अत्यंत सुंदर प्रेम महात्म सूचक है कीर्तन आदि करने लगे, जिसको गोपी गीत नाम से सभी लोग परिचित हैं। है तो यहाँ पर वही देवांगना कह रही है, देखो कृष्ण कैसे धूर्त है, कपट है, ये आपके इसी अवस्था में है, जब आप उनके साथ विलास करते करते जब थक गई है और उसी अवस्था में वो आपको क्या की, छोड़ करके चले गए, तो ये कोई प्रेम होता है? हाँ समझे, इसलिए देवांगना कह रही हैं है, हम आप इस कथा को हमको भी भूल नहीं सकते हैं। जो कामिनी पुरुष, कामी पुरुष कैसे अपने प्रेम चरितार्थ करके और आपके जो है अकेले निस्सहाय रूप में है छोड़ करके चले हैं, इसलिए मैं इस कथा को भी भूल नहीं सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? देवांगना है, राधा जी की इस समय कथा सुना रही है, मैंने साक्षात दिया है। वह दुख मेरे हृदय में सदैव शूल की भांति चुमता रहेगा है। आ समझे, देवांगना कह रही हैं वह जो प्रेम की जो विचार जो है और हृदय में इतने दुख पहुँचे, वो तो आप ही सहन कर रहे हो, मेरे लिए सहन संभव नहीं है। कौन करे? कृष्ण करे, राधा है, राधा। और यशस्विनी, मैं देवी हूँ, क्या मेरे हृदय में कष्ट रह सकता है? किंतु हाय, दैवाद किसी अशुभ क्षण में ही तुम्हें देखने की इच्छा मेरे हृदय में उदित हुई थी, यह इच्छा ही मुझे इस स्थान पर लाकर मेरे हृदय में शूल की तरह चुम रही हैं। हे सखी, यह शूल मेरे हृदय से किस प्रकार निकलेगा, अर्थात इसका कोई उपाय नहीं मुझे दिखाई दे रही है। वो गोपांग देवांगना करी है, हे राधे, आपके जो उन्होंने इतने जो कष्ट दिए थे और अपने इच्छा को परिपूर्ण किए हैं, और वह समस्त जो है उनके ऐसे दुश्चरित्रता है कि मैं कभी भूल नहीं सकते है। अभी टीकाकार क्या बोल रहे हैं? इस समस्त श्लोक में देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण स्वयं ही अपनी निंदा कर रहे हैं। कौन? कृष्ण। इसका तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण राधिका की प्रति जो प्रीति है उसके गंभीरता की परीक्षा कर रहे हैं, कृष्ण ये जानना चाहते हैं। देख, राधे के हृदय में प्रेम की कितनी गंभीरता है वो मैं देखना चाहता, इसलिए निंदा आदि करें। एक व्यक्ति के स्वरूप जानने के लिए, माने स्वभाव को जानने के लिए, उसके क्या करना पड़ेगा? उसके उत्तेजित करना पड़ेगा है, उसके क्रोध से उत्तेजित कर दो, वो अपने असली विषय को, वो भाव को व्यक्त कर दे। कभी कभी ये कथा सुनाता हूँ, चुटकुली सुनाता हूँ है, इसके मैं छोड़ूंगा। एक ब्राह्मण था है, वो राजा के पास आए देव सेवा आदि करने के लिए। राजा ने उसके पूछा
भाई ये बात बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो, कौन सा गोत्र है, हैं ये मुझे बताओ। वो ब्राह्मण बहुत चतुर था, हैं आ समझे। वो देखा तो मैं अपने स्वभाव स्वरूप के मैं परिचय देने तो जो दे दूँ, शायद राजा मुझे देव सभा में लगाए तो नहीं लगाए, हैं इसलिए वो ब्राह्मण अपने को बड़ापन करके बड़ा चढ़ा करके राजा को सुनाया मैं ये व्यक्ति हूँ। है तो महाराज विचार करने लगे, ये है कौन, कहाँ के रहने वाले, कहाँ के रहने वाला, बिहार के हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ के रहने वाले, लखनऊ के रहने वाले हैं, सब इकट्ठा हो गया। तो राजा विचार करने वाली, किंतु वो व्यक्ति सब भाषाविद थे, वो कौन, वो ब्राह्मण जो है कोई की व्यक्ति होता ना, अनेकों भाषा को वो कंट्रोल कर लेते, मैंने बोलना शुरू कर, जिस भाषा में बोलेगा उसके लगे वही उसी का ही है। जैसे कोई बंगाली हो तो है तो बंगाली नहीं है, किंतु बंगला भाषा को इतने गंभीरता से है वो कर लेते हैं, आयत कर लेते, आयत समझो, आप कुछ सोचोगे बंगाली है, बंगला भाषा इतने सुंदर हो, हैं बिल्कुल ऐसे है। कोई हिंदी भाषी नहीं है और हिंदी भाषा को इतने है ये कर लेते हैं, आप जब हिंदी बोलोगे उसके पकड़ नहीं पाओगे, ये सोचोगे हिंदी भाषी हैं, इधर के रहने वाले, कहाँ के, यूपी के रहने वाले की। और वो व्यक्ति, और दूसरी बात है, कोई व्यक्ति जो उड़िया से, उड़ीसा के रहने वाले हैं, हाँ समझे, किंतु अपने को गोपन करके रखा, बोले नहीं है, हाँ समझे। कोई व्यक्ति उड़िया भाषा को ऐसे है माने कंट्रोल कर लेते हैं, बोलने में इतने होते आपको लगेगा उड़ीसा के रहने वाले। भारतवर्ष एक विचित्र देश है, पृथ्वी में और कोई देश ऐसे नहीं मिलेगा, है अनेकों भाषा भी, भाषा भाषी लोग ये भारतवर्ष में रहते हैं, हैं इसलिए गवर्नमेंट के बाध्य होकर के नोट के ऊपर कम से कम 14 भाषा की है रुपये की लिखा जाता है, किसी राष्ट्रीय जो केवल मानी जो पेपर है, है उसमें केवल एक दो भाषा लिखा रहता है, इंग्लिश हो इंग्लिश है, जिस देश के होता है उसी देश के, किंतु भारतवर्ष ऐसे एक विचित्र देश है, है अनेकों भाषा भाषी लोग रहते हैं, है एक भाषा भाषी दूर दूसरी भाषा को भी जान नहीं पाते हैं। ऐसे आप तमिल पढ़ो, पढ़ नहीं पाओगे आप, है आ समझे। इधर है पंजाबी है, गुजराती है, बंगाली है, कितनी भाषा भी, इसलिए सरकार के बाध्य होकर के क्या करना पड़ा, नोट में कितना भाषा लिखा रहता है, 14 भाषा लिखा रहता है, लिखा रहता है, हैं 14 भाषा लिखा रहता है उस, हैं अच्छा चलो मैं जिस शब्द बोलते जा रहे हैं, संस्कृत को लेते नहीं हमारे, संस्कृत में लिखा रहता है, हैं प्रचलन नहीं और जो इतने भाषा, अच्छा आइए कथा में। तो राजा अपने मंत्री को कहने लगे, मंत्री तुम ये बताओ ये व्यक्ति जो है कहाँ के रहने वाले, माने कौन सा प्रोविंस से रहने वाले हैं, है बंगाल के रहने वाले के, यूपी के रहने वाले के, पंजाब के रहने वाले है, कहाँ के, ये तो जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा के लगता है तो होगा, है मंत्री बोले महाराज आप चिंता मत करो मैं पता लगा देता हूँ, है बोले कैसे, ठीक है महाराज ये 3 मंजिल के ऊपर एक सभा बुलाइए सबको, सबको सभा में बुलाया गया है, और वो ब्राह्मण की भी बुलाया गया है, वहाँ पर सभा भी कार्य हुआ जो कुछ भी जैसे जैसे है कभा सभा होने के बाद जो है सब एक एक करके सीढ़ी से जो है नीचे उतरने लगे, है आया समझ में।
तब वो राजा के मंत्री जब वेश बदल करके वो उल्टी तरफ चलने ऊपर चलने लगे, सब लोग नीचे तरफ आ रहे थे, सीढ़ी से है तीन मंजिल से नीचे की तरफ आ रहे थे, और वो मंत्री जो है वेश बदल करके जो है साधारण एक लोगों की भांति फटा फुटा कपड़ा आदि पहन करके है वृद्ध के भांति ऐसे उल्टी तरह चमड़े, जो लोग ऊपर से आ रहे वो नीचे से ऊपर जा रहे। तो वही जो ब्राह्मण जब आने लगे, थोड़ी सी अंधकार भी था, वो ब्राह्मण ये राजा ने क्या लो मंत्री ने किया कि है उसे ब्राह्मण के थोड़ा धक्का दे दिया जानबूझ करके है आ समझे, जैसे लग रहा है ये तो ठीक से देख नहीं पाते ऐसे ऐसे, तो उसके धक्का देने से भाई ब्राह्मण है अपने ये उनके धक्का देने से उनके बहुत क्रोध आ गया। तो क्रोध आने से क्रोध में क्या होता है भैया है अपने स्वरूप के प्रकाश कर देता है 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 आ समझे, जो जो जिस देश जिसका जिस भाषा के आप जो जहाँ कर रहे हैं ओरिजिन जो है आपके मुँह से वो अपने आप निकाल जाएंगे, क्रोध के समय जो है हैं वो आ जाए है कि समझ में, और समय में आप तो छुपा सकते हो बहुत एलोक्वेंट शब्दों के द्वारा लोगों की मुग्ध करने के लिए हैं अर्जुन चार्मिंग करने के लिए तो बोल सकते हो, किंतु क्रोध क्रोध जब आएगा वो अपने हैं आज में, तो उन्होंने क्या बोले मैं वो उड़िया भाषा में बोल दिया क्रोध है ना, वो क्रोध में वो ब्राह्मण कर दें धक्का काई को मारी है आज में क्रोध में जब आते हैं तब उस समय फिर वो तो कुछ नहीं बोले चले गए, फिर राजा बोले महाराज ये ब्राह्मण उड़िया उड़ीसा के रहने वाले, बोले कैसे तुम्हें पता चला, हमारे महाराज इसी प्रकार जो क्रोध में जो किसी के क्रोधित कर दो उत्तेजित कर दो वो अपने स्वरूप के व्यक्त करते हैं है? तो ये होता है मेरे कहने की यहाँ पर जो है यही कार्य हैं, वो देवांगना जो है, कहते हैं ये तभी जगत में प्रीति का उत्कर्ष है। देवांगना बेचदरी कृष्ण के संग ही अपने निंदा कर रहे हैं, इसका तात्पर्य कि कृष्ण और राधे की अपने के प्रति जो प्रीति है उसकी गंभीरता की परीक्षा कर रहे हैं। ये कृष्ण जानबूझ करके अपने निंदा क्यों कर रहे हैं, राधा जी के सुनाने के लिए जो कर रहे हैं जैसे हम लोग अभी अभी सुना, तो कृष्ण राधा जी के अंतर हृदय से इसी को जानना चाहती है चाहते हैं है? ये वास्तव रूप में कृष्ण और राधा के कितना प्रेम करते हैं है? ये सुनना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर भी कर दें। इसके तात्पर्य है कि श्री कृष्ण और राधा के अपने प्रति जो प्रीति है उसकी गंभीरता की परीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार राधा जी के इस प्रकार श्री कृष्ण की निंदा श्रवण से यदि राधा जी का प्रतीक्षा ये प्रतीक का क्षय नहीं होता है अथवा बिंदु मात्र भी प्रतीक का संकुचित नहीं होती है तभी जगत में उसका प्रतीक का उत्कर्ष स्थापित होगा। और समय याद रखिए जो प्रेम की जो परिभाषा कहते हैं क्या है, सर्वध्वंसत्व कारणोपि अध्वंसत्वम्, ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी जो प्रेम ध्वंसीभूत नहीं होते अपितु वो उत्तर उत्तर क्या होता है और प्रेम समृद्धि होता बढ़ते जाता है ए? यही प्रेम के लक्ष्य, यही जो है कृष्ण देवांगना के रूप में आने की यही एक विशेष कारण बता रहे हैं आज में, इसलिए कहते हैं इसमें स्पष्टीकरण दे। इस प्रकार श्री कृष्ण की निंदा श्रवण से यदि राधा जी की प्रीति का क्षय नहीं होता है, क्योंकि प्रीति के लक्षण क्या होता है, अपने प्रियजन की निंदा को भी वो सहन नहीं कर सकते हैं, ये प्रीति के एक विशेष लक्षण है। आप जिसके साथ प्रीति रखते हो प्रेम रखते हो उनकी
अवगुण को, अवगुण समझते हो है, डिमेरिट्स है, अवगुण को जो है आप ना कह सकते हो ना आप सुन सकते हो, यही पति का एक विशेष लक्षण कहा गया है। आ समझे, इसलिए ये कह रहे हैं अथवा बिंदु मात्र प्रति की संकुच नहीं होते तभी जगत में इस प्रति का उत्कर्ष स्थापित होगा, तथा इस प्रकार निंदा श्रवण करने पर प्रेमिका मुकुटमणि श्री राधा की प्रेम सुगंधित गंभीर हृदय से उपस्थित जो रसमयी वचन सुधा निश्चित होगी उसे पान करने की ललसा से भी कृष्ण ने इस प्रकार की निंदात्मक भाषा का प्रयोग किया है। समझ में आ रहा है, अभी से समझ नहीं प्रभु, ये कृष्ण ऐसे निंदा निंदात्मक भाषा को क्यों प्रयोग किया है राधा जी के सामने, राधा जी की प्रेम लग है? प्रेम को जो गंभीरता को नापने के लिए, और कोई कारण नहीं है। ये जिसको कहते हैं निंदा स्थले निंदा से चले स्तुति कहा जाता है। वह देवांगना और भी कहने लगी, सखी मेरा चित्त तुम में इस प्रकार की आबद्ध हो गया है कि तुम्हारे इस प्रकार के दुख को देखकर स्वर्ग तक जाने की भी शक्ति मुझ में भी नहीं रहे है, तथा इस स्थान पर भी मैं ऐसे शोकार्त चित्त से और रह नहीं पाऊंगी है। आपके ऐसे प्रेम आदि देख करके, अर्थात अपने प्राणकंत के प्रति प्रेम देख करके, मैं इस स्थान को छोड़ करके, कौन सा स्थान, बंसीवट जहाँ पर मैं रह रही हूँ, इस स्थान को छोड़ करके मैं देवलोक में जा नहीं सकते है। हाँ समझे, और विशेष करके आपके इस शोकार्त चित्त से मैं आपको यह देख रहा हूँ, मेरे मन प्रतिक्षण उद्घरणाजुक्त अर्थात भ्रमित होकर किसी भी प्रकार से धैर्य धारण नहीं कर पा रहा है। इन सभी कारण से मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे साथ साक्षात्कार करने के लिए अपने मन की बात अभिव्यक्ति कर दी है देवांगना करी, विशेषतः मैं श्री कृष्ण से अत्यंत डरी हुई हूँ, क्योंकि कृष्ण में धर्म तथा लोक लज्जा तनिक भी नहीं है। फिर पुनः कृष्ण के निंदा करने लगे, उन्होंने कभी भी दया के पथ पर पदार्पण किया हो तो ऐसे प्रतीत नहीं होता है। ये कृष्ण के हृदय में तनिक भी दया नाम से कोई वस्तु नहीं है, इतने कठोर हृदय वाले हैं, अर्थात वे अत्यंत कठोर हृदय वाले हैं। उन्होंने बाल्यकाल में ही स्त्री वध अर्थात पोतना राक्षसी का वध कर दिया था है, देवांगनाकारी है क्या को, उनकी जीवन तो उसी प्रकार ही है, छोटा बच्चा थे केवल 6 दिन के बालक, ज़्यादा नहीं है, और किस किस को वध कर दिया, पुतना को वध कर दिया, स्त्री को वध करना उचित नहीं, शास्त्र में लिखा गया है स्त्री को किसी तरफ से है वो वध के योग्य नहीं है, वध करना नहीं चाहिए स्त्री को है। हाँ सर है, क्या जी पृथ्वी देवी, हाँ सरकाम जुबान ले रहे हैं मारने के लिए। हाँ सर, स्त्रियों को जो है किसी अवस्था में उसको हत्या करना नहीं चाहिए, स्त्री विद्ध बालक है और निरस्त्र जिसके हाथ में अस्त्र नहीं है, है ऐसे लोगों के प्रति किसी प्रकार जो है अस्त्र चलाना उचित नहीं है, उसके मानना करना नहीं चाहिए है। ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण को वध करना नहीं चाहिए, ब्राह्मण स्त्री वृद्ध
बालक और निस्सहाय व्यक्ति जो है इसी अवस्था में उनको क्षत्रियो के काज काम है, हत्या करना नहीं चाहिए। किंतु कृष्ण ने क्या किया, अरे 6 दिन के बालक कृष्ण है, और ऐसे पुतना वो आई थी कितनी सुंदरी है, आई थी ना सुंदरबन से आई है, सुंदरी थी वो है। और कृष्ण ने क्या की, बाल्य काल में ही पहले वध किया तो किसको वध किया, पुतना वध कर दिया, मैंने स्त्री वध कर दिया है, पुतना राक्षसी का वध कर दिया था। और यह भी नहीं है कोईसर अवस्था में बैल वृषासुर की तथा पौगंड काल में गोवत्स वत्सासुर की हत्या कर दी थी, ये सब बोलते जा रहे हैं। कब कब क्या क्या किसको हत्या किया, पर देखो किसी अवस्था में नहीं करना, गो हत्या भी करना नहीं चाहिए है, किसी अवस्था में गो हत्या करना नहीं चाहिए। हाँ समझे, ये मुसलमान लोग दुष्ट है, ये है गाय को काट कर खाता है, उनका खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, बड़े बड़े लेक्चर देता है दाढ़ी वाले हैं। आज में शास्त्र में लिखा है नहीं गोहत्ता करना नहीं चाहिए, गो मांस मांस खाना ही भी नहीं चाहिए और गोहत्ता भी करना नहीं चाहिए है? कौन से ऋषि थे गाय का बाल पी लिया था दूध के साथ? अच्छा उन्होंने देखो यहाँ पर किया कि कृष्ण ने क्या कर दिया, बकासुर की हत्या तथा पौगंड काल में गोवत्स वत्सासुर की हत्या की थी, इस प्रकार बाल्य काल से ही उन्होंने हिंसक तथा धर्म विग्रहित कार्य किया था, अर्थात विरुद्ध धर्म कार्य किया है। देवांगना ने कृष्ण के सारे अपजश अवगुण का वर्णन करने लगे है, कैसे निष्ठुर है। समय हो गया, देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण के मुख से श्री कृष्ण के प्रति निंदा युक्त उन वचनों को श्रवण कर श्री राधिका बोली, बोरी सौभाग्यशालिनी हमारी प्राणकांत श्री कृष्ण में ऐसे एक अपूर्व चित्त आकर्षणी शक्ति है कि उनके द्वारा उनके अनेक बार मेरे प्रति कोई दुखदायक कार्य करने पर भी मैं अपने चित्त को उसे विरक्त नहीं कर सकती, कितने ही बार सोचती हूँ कि उन्होंने उचित नहीं किया है, उसने बात नहीं की करूँगी, किंतु उनके दर्शन मात्र से सब कुछ भूल जाती हूँ। राधा जी करी बोले हमारे गोविंद में ऐसे एक कोई एक मंत्र मुग्धवत कोई शक्ति है, मैं जानती हूँ है, किंतु मैं भी मन मन सोच रही थी आज से उनके साथ कभी नहीं मिलूंगा है, किंतु ना जानी कुछ समय के पश्चात मैं भूल जाती हूँ है, उनके दर्शन मात्र से ही सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुमने भी ऐसी एक शक्ति है, अन्यथा तुम मेरी प्राणकटी श्रेष्ठ ब्रजराज कुमार की इस प्रकार निंदा नहीं कर सकती थी है, तथापि उस समय तो तुम मेरे चित्त का आकर्षण संग के प्रति मुझे यथेष्ट अनुरुक्त कर रही हो है, यद्यपि प्रियजनों की निंदा करने वाले व्यक्तियों के साथ प्रीति करना संपूर्णता है अस्वाभाविक है, तथापि अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित न होने से ऐसे संभवपर नहीं होता है। निरुपाधिक प्रेम का ऐसा ही स्वभाव है, जब वह उत्पन्न होता है तो सहज में भी इसका ध्वंस नहीं होता है, जो निरुपाधिक प्रेम जो है वो सहज में ध्वंस नहीं होते। यह प्रीति इतनी प्रगाढ़ होती है कि दूसरे के द्वारा निंदा किए जाने पर भी तरल नहीं होते अर्थात नष्ट नहीं होते है? प्रेम की भी कई कई स्तर होते हैं, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है, रूढ़ उधिड़ मोहन और माधुना कुमार,
इसी के जो है संदर्भ में प्रति संदर्भ में एक क्या बोले उज्जल इनमुनि ग्रंथ में ये समस्त अनेकों प्रकार के जो है स्तरों के जो है विवेचन करके उदाहरण के साथ दिखाया गया है कैसे कैसे प्रेम के एक एक स्तर भी होता है। स्नेह तो एक प्रकार के नहीं होते हैं, अनेक प्रकार स्नेह है। हाँ समझे, एक होता है मान भी कितने प्रकार की होते हैं, एक उदात्त मान और एक ललित मान, स्नेह मान, राग भी किसी प्रकार राग होता है, एक कुसुम्ब राग होता है। राग के बारे में भी उज्जलमणि ग्रंथ में ये भी दिखलाया गया है। आस में ये समस्त दिखकर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग इस समस्त के बहुत विवेचन करके दिखाया गया है। इसलिए कहते हैं ये जब वह प्रेम उत्पन्न होता है तो सहज में इसका ध्वंस नहीं होता है। यह प्रीति इतनी प्रगाढ़ होती है कि दूसरे के द्वारा निंदा किए जाने पर भी तरल नहीं होते अर्थात नष्ट नहीं होते। चैतन्य चैतामृत में वर्णन है अकोइतव कृष्ण प्रेम जेनो जम्बुन द हेम सेई प्रेमा निलोके ना होय यदि होय तार जोग ना होय तबे वियोग वियोग होइले केह ना जियय। तो प्रेम एक वस्तु है, एक बार किसी के हृदय में उदित हो जाए वो भी नष्ट नहीं होता है। ये जम्बुनद की हेम माने सोने की भांति है, ये निलोक में नहीं आता है। जैसे कहते हैं हिमालय के उच्च के स्तर पर एक जामुन पेड़ है और जामुन पेड़ के नीचे एक नदी प्रवाहित हो रही है। वो जामुन फल जब पक जाते हैं और नीचे समुद्र नदी के नीचे तट पर जब लग जाते हैं और ना जाने उसे कौन सा एक केमिकल है और वो सोना बन जाता है। उसी कथा जामुन अद हेम कहा जाता है, हेम माने सोना। वो सोना जो है गोल्ड जो है इस जगत में नहीं आते हैं और साथ ही साथ देवलोक से देवता लोग आकर के उसको देवलोक में ले चले जाते हैं। बोले अत्यंत मूल्यवान वो स्वर्ण जो है। तो उसी प्रकार प्रेम ऐसी प्रकार है इस जगत में होना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं सही प्रेमा नीलोके ना हो, नीलोके माने इस भूलोक में नहीं होना संभव नहीं है। और यदि है तार यदि किसी प्रकार से प्रेम प्राप्ति हो गया मिल गया है वो कभी है बिछोड़ नहीं जाते है। यदि है तार जो ना हो तभी वियोग, वो प्रेम कभी नष्ट नहीं होता है। और वियोग हो ले क्यों ना जी, यदि ये प्रेम किसी के हृदय से वियोग हो जाए विच्छेद हो जाए वो जी नहीं सकता है। ये समस्त टीकाकार मुझे अच्छी तरह से बताया गया है। ये प्रेम की अपरागित दिव्य प्रेम कैसे है, आगे कथा हम कल श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर और प्रेमानंदी।